मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सेल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि क्या होता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी तो आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आखिर ये जीएसटी काउंसिल क्या है और आखिर ये क्या काम करता है। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एजेंडा है जो अभी हाल ही में जो रिसेंट मीट हुई है उसको लेकर के। ठीक है, तो चलिए समझते हैं और जानते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से इस बात को ऑब्जर्व करने की कि भाई जीएसटी काउंसिल की क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये चर्चा में आया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि क्यों ये न्यूज इंपॉर्टेंट है या क्यों ये चर्चा में आया। तो हाल ही में जो 47th मीटिंग हुई है जीएसटी की, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की, वो शुरू हो गई है कहां पर, चंडीगढ़ में। ठीक है, और इस मीटिंग के साथ ही मार्क किया जा रहा है 5 years ऑफ टैक्स सिस्टम जो कि इफेक्ट में आ रहा है फ्रॉम July 1, 2017 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए जानते हैं समझते हैं फटाफट से कि जीएसटी काउंसिल क्या है। तो देखिए जो जीएसटी काउंसिल है, ये जो रिजीम है ये फोर्स में आई आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 122 बिल जो कि पास हुआ था। ठीक है, और ये बिल पास हुआ दोनों ही हाउसेस के द्वारा, यानी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इन 2016, और इसके तहत मोर देन 15 स्टेट्स ने रेटिफाई किया था इस बिल को, जीएसटी को, अपनी स्टेट असेंबलीज में। ठीक है, जिसके बाद की जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने अपना जो है असेंट दिया। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसका नंबर बताना है आपको, जिसके तहत जीएसटी को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए। अच्छा, जीएसटी काउंसिल पर अगर हम आए तो जीएसटी काउंसिल जो ये एक जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट्स का, जिसको सेटअप किया था प्रेसिडेंट ने कौन से आर्टिकल के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नंबर 279A का क्लॉज 1, ठीक है, ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये नहीं बोलना है ओरिजिनल, नहीं, अमेंडेड का। अच्छा, जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल है उनमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं हमारे कौन, जीएसटी है। जीएसटी किससे लेना देना होगा भाई साहब, फाइनेंस मिनिस्टर से, तो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और यही जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन यानी हेड भी होते हैं। इनके साथ साथ आते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के फ्रॉम दी सेंटर, ओके, ये लोग हमारे सेंटर के मुख्य बिल्कुल रूप में जो है विद्यमान होते हैं। अच्छा, हर स्टेट जो है अपने यहां से एक मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन जो है वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, और वो किसी और मिनिस्टर को भी एज अ मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर बीइंग दी पार्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ये अक्सर पूछ सकता है। चलिए आगे चलेंगे और समझेंगे कि ये क्यों सेटअप किया गया था। तो देखिए जो काउंसिल है इसको सेटअप किया गया और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279 इसका मतलब ये था कि दिस काउंसिल विल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड द स्टेट। सिर्फ यूनियन को नहीं, यूनियन एज वेल एज स्टेट दोनों को ये काउंसिल रिकमेंड करेगी, रिकमेंडेशन देगी ऑन द इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होंगे जीएसटी से, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज से, और किन किन आइटम्स को जीएसटी से एग्जेम्प्ट करना है उससे भी रिलेटेड, एंड इसके साथ साथ मॉडल जीएसटी लॉ से, यानी जीएसटी से रिलेटेड जो कुछ भी होगा उस पर जो कमिटी बनेगी, जो काउंसिल बनेगी, वो होगी हमारे किसके तहत, आर्टिकल 279 के तहत। ये काउंसिल ये भी डिसाइड करेगी कि वेरियस जगहों पर जो है वो स्लैब ऑफ जीएसटी क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा, इंस्टेंस के लिए अगर हम देखें तो एक इंटरिम रिपोर्ट जो है वो दी गई बाय द पैनल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि भाई 28% जीएसटी जो है वो कैसीनोस पे लगाना चाहिए, ऑनलाइन गेमिंग्स पे लगाना चाहिए, और हॉर्स रेसिंग जैसे गैम्बल्स, काइंड ऑफ गैम्बल्स पर भी लगाना चाहिए। एक डिसीजन इस पर जो है लिया गया था ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान। ठीक है, अच्छा, जीएसटी काउंसिल को आपको इजी स्टेप्स में याद करना है तो इस माइंड मैप के थ्रू आप बड़े इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे कि इस वक्त में क्या चेंज हुआ है जीएसटी काउंसिल में। तो देखिए जो हाल ही में मीटिंग, जो 47th मीटिंग चल रही है चंडीगढ़ में, ये अपने आप में एक पहली मीटिंग है सिंस सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसी साल मई में डिसीजन दिया था जिसके तहत उन्होंने ये सीधे साफ शब्दों में क्लियर कर दिया था कि भाई देखिए जो रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल की वो बाइंडिंग नहीं होंगी। ठीक है, और कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 264A के तहत
बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों के पास साइमल्टेनियस पावर है टू लेजिस्लेट ऑन द जीएसटी, ठीक है। और रिकमेंडेशंस जो है काउंसिल की किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर या किसी चीज पर, वो एक कोलैबोरेटिव डायलॉग होगा, यानी मिला जुला डायलॉग होगा जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों की बातों को तवज्जो दिया जाएगा। और ये चीज जो है ये कई सारे स्टेट्स द्वारा हेल्ड भी की गई थी, जैसे कि कौन कौन से स्टेट्स थे, केरला, तमिलनाडु, जिनका ये मानना है, जिनकी ये बिलीफ है कि भाई देखो जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं इन एक्सेप्टिंग दी नॉर्म्स ऑफ रिकमेंडेशंस जो उन्हें सूट करे, यानी जो रिकमेंडेशंस आपकी हमें बेनिफिशियल लग रही है वो हम समझेंगे, अदरवाइज हम उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलेंगे और हम समझेंगे कि एजेंडा क्या था इस 47th मीटिंग का। तो देखिए जो काउंसिल की मीटिंग है ये लाइकली फोकस किस पर कर रही है, ऑन द इशू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। और ये जीएसटी कंपनसेशन रिजीम जो है ये जून 2022 के बियॉन्ड की बात की जा रही है इस पर, ठीक है। एक स्पेशल मैकेनिज्म भी यहां पर लाया गया है जिसके तहत जो स्टेट्स हैं उनको अश्योर्ड किया गया है कि उनके जो रिवेन्यूज हैं दैट वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द न्यू जीएसटी रिजीम या न्यू जीएसटी सिस्टम अगर कोई लेकर के आता है तो, यानी उनका जो रिवेन्यू सिस्टम था वो इंटैक्ट रहेगा। कुछ स्टेट्स ऑलरेडी ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो कंपनसेशन उन्हें मिल रही थी वो अभी भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। अर्लियर पहले क्या था कि जो काउंसिल है उसने अग्री कर दिया था कि चलो आप लिवाई ऑफ कंपनसेशन जो वो 2026 तक एक्सटेंड कर दो, लेकिन यहाँ पर एक झोल है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मुड़ाव है, लेकिन ओनली फॉर द रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स। ये ध्यान रखना है आपको, ये टर्म जो है ना कि भाई ये चीजें तो कर दी गई थी लेकिन ये किस लिए था, ओनली फॉर द रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स That was made in the aftermath of the pandemic, यानी pandemic के बाद जो भी borrowings की गई हैं, उनको repay करने के लिए जो होगा, ठीक है। तो ये particular पूरा agenda था 47th GST council का। I hope clear हो गया होगा, फिर भी अगर कहीं कुछ doubt है तो comment करके जरूर पूछिएगा। ये news काफी important है, GST से related questions आ चुके हैं क्योंकि हमारे exam, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं next session में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।